हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है और आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। एंड आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। चाहे आप थ्योरी सेशन देखना चाहती हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहती हो, मैंने बीपीएससी टीआर 3 में 2 में 79 वीडियोज का इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। सभी वीडियोज को प्रैक्टिस कीजिए और मैं जो डेली बेसिस प्रैक्टिस करा रही हूँ इस पर भी 100% ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, कोई भी वैकेंसी कभी भी आए, आपका तैयारी रहेगा तभी आप उस सिलेक्शन को ले पाएंगे। इसलिए इंतजार मत कीजिए, डेली बेसिस पे एक स्पेसिफिक टाइम अपना बना लीजिए कि इतना हमको पढ़ना ही है। एंड दोस्तों, जैसा कि कल वाले वीडियो में जो क्वेश्चन था दिख नहीं रहा था, मैंने एडिटिंग करते समय थोड़ा ऊपर कर दिया था, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, ओनली आंसर दिख रहा था। सॉरी उसके लिए दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी रेडी हो जाइए और अपना इसको भी देखिए कि कितना क्वेश्चन 50 में से राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रायोथेरेपी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जो बर्फ चिकित्सा, ठंडी चिकित्सा होती है उसे क्रायोथेरेपी कहा जाता है। तो यहाँ पे शीत चिकित्सा आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अस्थि भंग बोन फ्रैक्चर का क्या अर्थ है? तो फ्रैक्चर का, बोन फ्रैक्चर का अर्थ है अस्थि का टूट जाना, अस्थि का टूट जाना। ये फ्रैक्चर दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण फ्रैक्चर, यानी कि सिंपल फ्रैक्चर, जिसे क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं, यानी कि इसमें हड्डियाँ टूट जाती है बट चमड़ी से बाहर नहीं निकलती है, कटती फटती कोई घाव नहीं होता है, इसीलिए इसको सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर कहा जाता है। दूसरा होता है मिश्रित फ्रैक्चर, जिसे कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर कहा जाता है, जिसमें हड्डियां टूटकर त्वचा से, चमड़ी से बाहर निकल आती है, घाव भी हो जाता है, जिसे कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर, मिश्रित फ्रैक्चर कहा जाता है। तीसरा होता है जटिल फ्रैक्चर, जिसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर भी बोला जाता है। इसमें हड्डियाँ टूट कर मुलायम अंगों, फेफड़ों, हृदय, गुर्दे आदि में घुस जाती हैं। और चौथा होता है कम्युनिटेट फ्रैक्चर, इसे विखंडित फ्रैक्चर भी कहते हैं, एक ही हड्डी का कई टुकड़ों में टूट जाना, यानी मुलायम ऊतकों में संक्रमण का खतरा बना रहता है, उसे विखंडित फ्रैक्चर या कम्युनिटेट फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है संघात फ्रैक्चर, यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि एक हड्डी टूट कर दूसरी हड्डी, यानी कि एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी पर रगड़ खाता है आपस में, या उसमें घुस जाता है एक हड्डी टूट कर दूसरी हड्डी में, तो इस प्रकार रगड़ खाता है, उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या संघात फ्रैक्चर कहते हैं। एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो शिशु व बच्चों में ज़्यादातर होता है, ये पूर्ण विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसी आघात से टूटती नहीं, मुड़ जाती है, यानी कि एक तरफा टूटता है, एक तरफा का भाग मुड़ जाता है। एक होता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जो खोपड़ी या कपाल, खोपड़ी की कपाल या क्रेनियल भाग की हड्डी टूटकर अंदर धंस जाती है। एक होता है रोगात्मक अस्थिभंग, जिसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी कहते हैं, ये रोगग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाना। एक होता है ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर, यानी तिरछा अस्थिभंग। ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर या तिरछा अस्थिभंग में तिरछे या विकर्ण रूप से हड्डियाँ टूट जाती हैं। अधिकतर ह्यूमरस व फीमर अर्थात शरीर की लंबी अस्थियों में इस प्रकार की ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर होता है। और एक होता है दोस्तों आड़ा तिरछा अस्थिभंग, जिसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी कहते हैं, और यह जो होता है यह रीढ़ की हड्डियों में से एक अस्थि के भाग का टूटना होता है। इसकी आकृति पंख की तरह होती है, ज़्यादा रीढ़ की ऊपरी व मध्य भागों में तथा पीठ के नीचे के भाग में होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू के माध्यम से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है,
खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पुनर्वास यानी कि पुनः वापस आना, पुनर्वास करना, ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में क्या होता है, कभी भी चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उससे जो है उसकी समाधान के लिए तीन प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है करेक्टिव एक्सरसाइज, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण एंड तीसरा होता है फिजियोथेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा, और जिसमें आपका रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाना सही होकर के, तो उसको रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास कहते हैं। तीन विधियाँ होती हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ पे दिया हुआ है करेक्टिव एक्सरसाइज, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्टलेग प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों आप सबको पता है फॉर्टलेग प्रशिक्षण का दूसरा नाम है स्पीड प्ले। फॉर्टलेग प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है? स्पीड प्ले। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो फॉर्टलेग प्रशिक्षण है इसका नाम स्पीड प्ले है, और फॉर्टलेग प्रशिक्षण की खोज जो है 1937 में गोस्टा होमरर ने किया था। इससे एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता डेवलप होता है, और जो फॉर्टलेग शब्द है एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी कि स्पीड प्ले, और इसमें जो है बिना पूर्व नियोजित ढंग से तरीके से क्रियाएं की जाती हैं, और यानी कि इसमें अभ्यास की गति अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, इसलिए इसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन विकसित करने की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? तो दोस्तों इसको विकसित करने की, फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की विधि है बायलास्टिक स्टैटिक डायनेमिक पीएनएफ मेथड, जिसमें सबसे बेस्ट होता है स्टैटिक यानी कि स्लो स्ट्रेचिंग और होल्डिंग पद्धति, यानी कि धीरे धीरे आप स्ट्रेच कीजिए और उसी स्ट्रेचिंग अवस्था में कुछ देर तक रोके रखिए, यानी कि स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड पद्धति सबसे प्रभावी विधि है। नेक्स्ट दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग से विकसित की जा सकती है। जो सर्किट ट्रेनिंग होती है आपको पता है दोस्तों इसमें एक गोलाकार सर्कल में किया जाता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग की खोज जो है 1957 में एडमसन मॉर्गन ने किया था, और इसका उद्देश्य था शक्ति सहनशीलता यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को विकसित करना। तो यह किसको विकसित करती है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि शक्ति सहनशीलता को। इसमें क्या होता है सर्किट यानी परिधि या सर्कल में खिलाड़ी जो है एक गोलाकार सर्किल में 10 से 12 स्टेशंस होते हैं, जिसमें खिलाड़ी अलग अलग क्रियाकलाप करते हुए उस इस प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट है जब मोच हो तब क्या करना चाहिए? मोच यानी कि स्प्रेन जिसमें लिगामेंट अत्यधिक खिंच जाता है, तो जब मोच हो या स्ट्रेन स्प्रेन जो भी एथलेटिक्स प्रकार की चोटें होता है उसको लिए सबसे पहले हम क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब पेशी खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए? पेशी खिंचाव यानी स्ट्रेन की बात कर रहा है जिसमें टेंडन या पेशी ज्यादा खिंच जाती है, तो इसमें भी हम बर्फ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों कैफीन आता है, निकोटीन आता है, एनाबोलिक स्टेरॉइड भी आता है, बट कैनाबिनॉइड्स नहीं आता है, क्योंकि कैनाबिनॉइड्स जो होता है वह इसके अंतर्गत भारत में लगने वाले भांग के पौधे से तैयार किया जाता है। इसमें मैराजुआना यानी गांजा, हशीश यानी भांग आता है, जिसे चबाकर या धुएं द्वारा लिया जाता है। इससे मनोसक्रिय यानी मन को सक्रिय कर देने वाला और जिसमें शिथिलता की अनुभूति अवसाद की अनुभूति होती है, यह आपका प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता है, और शराब भी आपका नहीं आता है। नेक्स्ट है इंटरवल ट्रेनिंग क्या विकसित करने की एक प्रभावशाली विधि है? तो दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है यह शक्ति गति सहनशीलता को डेवलप करती है। तो यहाँ पे गति सहनशीलता नहीं दिया है तो आपका राइट हो जाएगा सहनशीलता, ठीक है।
इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि अंतराल विधि का खोज जो है 1920 में रेंडले व गर्जरर विकिला ने किया था, सहनशीलता व गति सहनशीलता को विकसित करने के लिए। इस विधि में रेस्ट एवं जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है इसको रेस्ट एंड केफोर्ड या आराम एवं प्रयास का विधि भी कहा जाता है, और यह विधि सहनशीलता को डेवलप करने की सबसे अच्छी विधि है। और इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, इंटरवल ट्रेनिंग में इनकम्प्लीट रिकवरी बिटवीन टू रिपीटेशन यानी दो रिपीटेशन के बीच इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है। जैसे कि अभ्यास के दौरान हार्ट रेट जो है हृदय गति 180 प्रति मिनट हो जाती है, और कुछ समय तक क्रियाकलाप किया जाता है, फिर कुछ समय तक आराम करके अपना क्रियाकलाप आरम्भ किया जाता है। यानी हृदय गति 180 बीट प्रति मिनट पहुँचते ही अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर हृदय गति 180 पहुँचते ही रोक दिया जाता है, और अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर 120-130 हृदय गति प्रति मिनट पहुँचते ही अभ्यास को पुनः शुरू किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होता है। अभी जस्ट आपने देखा है शक्ति सहनशीलता को डेवलप करता है, तो यहाँ पे शक्ति सहनशीलता दोनों एक साथ नहीं दिया है, तो शक्ति को ही ज्यादा बेटर माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेल में त्वचा की चोटों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लाल पड़ जाना यानी एब्रेजन इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वी अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस गुजरता है, तो दोस्तों वर्टिकल एक्सिस इस प्रकार होता है, ठीक है, आपकी जमीन के समानांतर होता है। वर्टिकल एक्सिस जो है वो जमीन के समानांतर होता है। प्लेन एंड एक्सिस दोनों तीन तीन होते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, तो ये जमीन के समानांतर होता है, तो जमीन के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ द ग्राउंड। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रकार के लीवर में भार बल और आधार के बीच में होता है? यहाँ पे क्या कह रहा है, किस प्रकार के लीवर यानी उत्तोलक में जो भार है वो बल और आधार के बीच में होता है? दोस्तों आपको मैंने ट्रिक बताया हुआ है दोस्तों कई बार कि उत्तोलक को आप याद रखने के लिए ट्रिक है एफ ए आर यानी कि 312, यानी कि 312। तो फर्स्ट प्रकार के लीवर में क्या है, फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में होता है फोर्स एंड रेसिस्टेंस यानी भार में, और द्वितीय प्रकार के लीवर में, द्वितीय प्रकार के लीवर में आर यानी कि रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के बीच में, एंड तृतीय प्रकार के लीवर में फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि किस प्रकार के लीवर में भार जो है बल और आधार के बीच में होता है? आप देख रहे हैं यह किस प्रकार के लीवर में है, भार यानी रेसिस्टेंस बीच में कब रहेगा, बल और आधार के बीच में, तो द्वितीय प्रकार के लीवर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय प्रकार का लीवर, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय प्रकार का लीवर आपका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जो बलों के द्वारा वर्णित होती है यानी बल केंद्र में होता है, बलों के अध्ययन किया जाता है काइनेटिक्स में, और बल के द्वारा वस्तु में जो गति होती है और उसका अध्ययन किया जाता है काइनेमेटिक्स में। याद रखिएगा जहां बल को विशेष स्थान दिया जाएगा वो काइनेटिक्स होगा, और जहां पे बल के साथ वस्तुओं में होने वाले गति की बात करेगा वहां पे काइनेमेटिक्स आपका राइट रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप सबको पता है प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग या त्वरण का नियम जिसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा मोमेंटम का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
नेक्स्ट दोस्तों फिर से उत्तोलक से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि किस प्रकार के लीवर में बल भार और आधार के बीच में होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको राइट आंसर मिलेगा। कॉमा और अर्धविराम को यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्या कह रहा है, किस प्रकार के लीवर में बल यानी फोर्स किसके बीच में होता है, भार और आधार यानी कि असिस्टेंस और फोर्स के बीच में। अभी जस्ट में बताई थी, ठीक है, एफ ए आर 312 यानी कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में, द्वितीय प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और तृतीय प्रकार के लीवर में फोर्स यानी कि बल बीच में। तो यहाँ पे कौन सा लीवर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग टाइप 3 यानी कि तृतीय प्रकार का उत्तोलक आपका राइट होगा। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता यानी इफिशियंसी का घटक कंपोनेंट्स कौन है। तो यहाँ पे स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ यानी गति, सहनशीलता और शक्ति, ये सभी फिजिकल फिटनेस के घटक हैं। नेक्स्ट है तीव्र अंतराल प्रशिक्षण यानी कि रिपीट इंटरवल ट्रेनिंग विकसित करता है। दोस्तों तीव्र अंतराल जो है यह गति सहनशीलता को डेवलप करता है, किसको डेवलप करता है, गति सहनशीलता स्पीड एंड्योरेंस को। नेक्स्ट है थकान के विरुद्ध प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों थकान शब्द आते ही आपका राइट हो जाएगा, थकान के विरुद्ध सहनशीलता, ठीक है, इसको कहेंगे सहनशीलता यानी एंड्योरेंस। नेक्स्ट है शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल्स होती है निचले जबड़े की मसेटर मसल्स, जो मैंडिबल हड्डी पर चढ़ा होता है। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी होती है हम निचले जबड़े की मैंडिबल हड्डी, एंड सबसे मजबूत मसल्स भी होती है निचले जबड़े की मसेटर मसल्स। लेकिन जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका होगा सबसे शक्तिशाली मांसपेशी ट्राइसेप्स सूरी मसल्स, जो दोस्तों हमारे एड़ी से लेकर पिछले जो पैर है एड़ी से लेकर घुटने के पीछे गैस्ट्रोनिमियस तक जाता है। ये जो ट्राइसेप्स सूरी मसल्स हैं यह पिंडली में स्थित दो पेशियां होती हैं, ये दो सिरे वाली गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस पेशी होती है जुड़ी रहती है। ये पेशियां कैल्केनस यानी कि पैर की एड़ी की हड्डी में प्रवेश करती हैं और पिछले पैर की पेशियों का प्रमुख हिस्सा बनाती हैं, जिसे आमतौर पर बछड़े की मांसपेशी के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों इसमें जो है आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स है, जांग के पीछे की मसल्स है, जो तीन पेशियों के समूह से बना होता है, जैसे कि बाइसेप्स मेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस से बना होता है। और ये जो क्वाड्रिसेप्स है, ख वाला ऑप्शन, क्वाड्रिसेप्स मसल्स जांग के ऊपर जांग के सामने वाला जो मसल्स होती है चार मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस एंड रेक्टस फेमोरिस एंड दोस्तों यहाँ पे अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी दोस्तों, रेक्टस फेमोरिस, यस दोस्तों याद आ गया मेरे को, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, ये चार पेशियों से मिलकर बना होता है हमारे जांग के ऊपर की जो मांसपेशी होती है क्वाड्रिसेप्स। और यह जो है हिप को मोड़ने और घुटने को फैलाने में मदद करती है। और जो हैमस्ट्रिंग ग्रुप होती है रेक्टस, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, ये तीनों ग्रुप की हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती है जांग के पीछे की, ये घुटने को मोड़ने में मदद करती है। और ये बाइसेप्स मसल जो होती है हमारी ह्यूमरस हड्डी के ऊपर होती है, जो हाथ को मोड़ने में फ्लेक्सन मोमेंट में मदद करती है। नेक्स्ट है बारंबारता पद्धति यानी फ्रिक्वेंसी मेथड में क्या होता है। तो इसमें दोस्तों व्यायाम की तीव्रता बहुत अधिक होती है और व्यायाम की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है
शारीरिक स्थूलता यानी बॉडी मास जो शरीर की वसा है इसकी सहायता से मापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर से शरीर की वसा यानी बॉडी मास को मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड की एक चोट कौन सी होती है? जो मेरुदंड होती है रीढ़ की हड्डी की जो चोट होती है इसमें से कौन सी चोट है दोस्तों? तो यहाँ पे स्प्लिट डिस्क जो होती है मेरुदंड की चोट होती है। नेक्स्ट है, एक मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड परीक्षण में होना चाहिए। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रमाणिकता एंड मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और शैक्षिक उपयोग में होना चाहिए, जिसमें से जो वैज्ञानिक प्रमाणिकता के आधार पर एक स्टैंडर्ड परीक्षण में रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें से आपका यहाँ पे तीन चीज़ें दिया हुआ है, तीनों चीज़ें वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता यानी कि वैलिडिटी, रिलेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट है, खेलों में चोटों की खोज, उपचार व पुनर्वास से संबंधित विज्ञान कौन सा है दोस्तों? तो इसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी कि शारीरिक चिकित्सा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, खेल चोटों के उपचार में निम्न सामान्य हाइड्रोथेरेपी उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत जल चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है और जल चिकित्सा के अंतर्गत आपका आता है गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गर्म पानी के अंतर्गत भौर स्नान यानी कि वर्लपूल बाथ एंड इमर्सन बाथ एंड ठंडा गर्म में जैसे कंट्रॉल्ड बाथ में जो होता है गर्म और ठंडा दोनों प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले ठंडा पानी फिर गर्म पानी का, तो इस प्रकार इसको यहाँ पे वर्लपूल बाथ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेस रेस और गतिवर्धन दौड़ यानी कि एक्सेलरेशन रेस, ये दोनों जो है गति को विकसित करने की विधियाँ हैं। प्लायोमेट्रिक्स जो है वो विस्फोटक शक्ति को विकसित करती है, जबकि बैलिस्टिक विधि जो है वो लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों जो हिंज ज्वाइंट होता है जिसमें एक तरफा एक ही अक्ष में गति होती है, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है, जैसे इसमें हमारा नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़े का जोड़, ये जो होता है ये हिंज ज्वाइंट एक अच्छी यानी वन एक्सियल गति होती है। एक कॉन्डिलर ज्वाइंट जो होती है यह बाई एक्सियल गति होती है। नेक्स्ट दोस्तों, बल का सूत्र क्या है? दोस्तों बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम गुणे ए यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास गुणे एक्सेलरेशन। नेक्स्ट दोस्तों, गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट 1958 में कितने आइटम्स थे? तो ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था इस बार, और इसको 1958 में पॉल हैंसिकर ने मोटर फिटनेस विकसित करने के लिए मेजर करने के लिए बनाया था, जिसमें 7 आइटम्स थे जैसे कि पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स आर्म हैंग फॉर गर्ल्स एंड स्ट्रेट नी सीट अप, शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शॉर्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस एंड 50 यार्ड डॉस एंड 600 यार्ड डॉस। फिर क्या हुआ, 1976 में पॉल हंसिकर और गाय जीजिफ ने इसमें चेंज किया और 6 टेस्ट आइटम रखे, इसमें से मेडिसिन बॉल थ्रो को हटा दिया गया और 6 टेस्ट आइटम बचे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 आइटम्स। नेक्स्ट है दोस्तों, लूज यानी फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह दो प्रकार का होता है।
एक्टिव और पेशी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी अंतर्गत गति की मात्रा या रेंज ऑफ मूवमेंट में वृद्धि स्वयं के द्वारा बिना किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से बढ़ाते हैं, और पेशियों में इसमें गति की मात्रा रेंज ऑफ मूवमेंट में वृद्धि किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु की सहायता से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, काइनेसिस शब्द का क्या अर्थ है? तो जो काइनेसिस, जो किनेसियोलॉजी है, काइनेसिस प्लस लोगस, यानी कि काइनेसिस का मतलब होता है गति और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि गति का अध्ययन होता है, यानी काइनेसिस का अर्थ हुआ गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एर्गोग्राफ मापता है? तो दोस्तों एर्गोग्राफ से पेशी की शक्ति को मापा जाता है, और पेशी का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, प्रत्यायोजन डेलीगेशन एंड संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ये तीनों संगठन का सिद्धांत है, बट अतिव्यापन ओवरलैपिंग संगठन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट के लिए विषय पूरा किया जाता है, यदि उसकी कुल पल्स काउंट 250 थे तो उसकी योग्यता इंडेक्स कितना होगी? तो दोस्तों जैसा कि आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में लिसिन ब्रोहा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बनाया था, जिसका पर्पज होता है कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करना। इसमें क्या होता है कि 5 मिनट तक बिना रुके सीट अप सीट डाउन किया जाता है, 1 मिनट में 30 सीट अप एंड डाउन किया जाता है, और उसके बाद अभ्यास के तुरंत बाद कर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए कुर्सी पर बैठा दिया जाता है, और रिकवरी के 1 मिनट बाद यानी कि क्षतिपूर्ति के 1 मिनट समाप्त होने के पश्चात 1:30 पर 30 सेकेंड तक पल्स काउंट किया जाता है, फिर 30 सेकेंड तक रेस्ट दिया जाता है। इसी प्रकार पल्स काउंट किया जाता है, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100 अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी गुणे 2। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज कितना है? 5 मिनट। तो क्या करेंगे, इसको सेकेंड में बदल करके 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 30,000। क्या आ जाएगा? 30,000। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जितना पल्स काउंट है उसका 2 में गुणा कर देंगे तो 250 का क्या हो जाएगा? 500। अब निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 छक्का 30 यानी कि 60 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60 आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, वह कौन सा सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल है जो कहता है कि स्टेट एंड ट्रेड एंजाइटी कॉग्निटिव एंड सोमेटिव कारक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी के अंतर्गत यह कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, भूमि घर्षण लैंड फ्रिक्शन निर्भर करता है? तो दोस्तों कोई भी घर्षण जब दो सतह होता है तभी घर्षण होता है, और इसके लिए दो सतह काम करते हैं, या चिकनी सतह और खुरदरी सतह। जब खुरदरी सतह रहेगा तो घर्षण ज्यादा होगा, और चिकनी सतह होगा तो घर्षण कम होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा धरातल के स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, मात्रा और भार किस द्रव के दो आयाम होते हैं? तो दोस्तों मात्रा और भार जो है वो मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? तो आपको पता है जो आग्नाशय यानी पैंक्रियाज की लैंगहंस दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता है,
तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है रक्त में, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डायबिटीज यानी मधुमेह रोग। नेक्स्ट है अस्थि मांसपेशी, जो कंकाल मांसपेशी की संकुचन की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो सारकोमियर होती है। एंड नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना क्या है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है शरीर क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का मुख्य कार्य आयोजन है, उसमें है। तो आयोजन जब भी करेंगे सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारण करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य कथन, गोल सेटिंग एंड गोल स्टेटमेंट राइट होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम शक्ति को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होता है। तो दोस्तों जो आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी अधिकतम शक्ति को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो होगा भार का अधिक होगा और विश्राम मध्यांतर का अधिक होना, ठीक है? भार अधिक भार लेकर के आप उसको एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जो रिकवरी है वो भी अधिक होगा, यानी कि वन और थर्ड आपका राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु धारिता यानी एयर कैपेसिटी निर्भर करती है। दोस्तों जो हम सांस लेते हैं और जो उसमें वायु हम ग्रहण करते हैं तो कितना हम कैपेसिटी है हमारे अंदर, तो उस यह निर्भर करता है एल्वियोलर आकार, जो एल्वियोलाइज होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होती है, उसका आकार कितना है उस पर निर्भर करता है। एंड इंटरकोस्टल मांसपेशी की ताकत, उसी के फैलने सिकुड़ने से हमारा जो फेफड़ा होता है फैलता है और सिकुड़ता है, जिसे सांस अंदर बाहर आती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो यहाँ पे तो वन और फोर्थ आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की गई हैं दोस्तों? तो मानव शरीर की अस्थियां जो है वह परिमाण और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसमोइड बोन। लॉन्ग बोन जो लीवर यानी उत्तोलक का काम करता है, जैसे हाथ और पैरों में लंबी अस्थियां होती है, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिबुला, फीमर, टिबिया, फिबुला। और लंबी अस्थियों में लॉन्ग बोन में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है, जो खोखले भाग होते हैं उसमें बोन मैरो होता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और खोखली होती है जो अधिक बोझ उठा सकती है और हल्की होती है। दूसरा होता है शॉर्ट बोन, जैसे कि हमारे कार्पल और टार्सस हड्डियाँ होती हैं। और तीसरा होता है फ्लैट बोन, जो जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा कपाल, पसलियाँ, स्केपुला। चौथा होता है इरेगुलर बोन, बेडोल या अव्यवस्थित हड्डियाँ, जैसे हमारे चेहरे की कुछ हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। पांचवा होता है सिसमोइड बोन, जो जोड़ों के आसपास होती है, कंडरा में विकसित होती है, और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पटेला, घुटने पर जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों घर्षण जो है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक और धनात्मक बल होता है। यदि खुरदरी सतह है तो धनात्मक होगा यानी घर्षण ज्यादा होगा, चिकनी सतह है तो ऋणात्मक होगा यानी कि घर्षण कम होगा। एंड नेक्स्ट है भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पे है? तो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई मद्रास में 1920 में हैरी क्रूबर्ग ने यहाँ पे स्थापित किया था। एंड नेक्स्ट है इंटरवल प्रशिक्षण भार आधारित होता है, जो हमारा इंटरवल प्रशिक्षण होता है इसमें इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, तो इसमें भार की तीव्रता कितना है इसको ध्यान में दिया जाता है, ठीक है? इसमें तीव्रता कितना है, भार की तीव्रता पर ध्यान दिया जाता है, और जो लैक्टिक एसिड संकेंद्रण है उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जैसे ही हार्ट रेट 180 पहुंचता है रोक दिया जाता है, जैसे ही रिकवरी फेज में जो है 120
130 पे पहुंच जाता है, तुरंत प्रतिक्रिया यानी कि प्रशिक्षण पुनः आरंभ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। तो दोस्तों आज के सेशन में ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और दोस्तों जो भी कमियां होंगी वीडियो में उसे भी बताइए, जिससे मैं अच्छे से सुधार सकूं और आपके लिए बेस्ट दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।